Hello guys, welcome to our channel Health is Wealth. Our prime objective is to spread awareness about health in our society. Today I am going to discuss some fundamental exercises for our body to keep our body fit and active. Okay, so हमारी body को तीन part में divide कर रहे हैं, upper part, middle part and lower part. Okay, तो upper part के लिए हम exercise design कर रहे हैं, एक push-up. उस पुशअप करने से क्या होगा, हमारा चेस्ट एक्टिवेट होता है, चेस्ट की फैट रिमूव होती है, स्ट्रांग होता है और हमारी आर्म एरिया एंड शोल्डर जो पार्ट है ये मजबूत होता है. पुशअप करना है, पुशअप कितना करना है आपको, एटलीस्ट 5 से स्टार्ट करना है. 5 पुशअप पर डे कम से कम करिए, फिर उसके बाद में जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ आता है आप उसका रिपीट कर सकते हैं. 5 की 5 2 टाइम कर सकते हैं, 5 को 3 टाइम कर सकते हैं. जब 5 का 3 टाइम करना आपके लिए इजी हो जाए उसके बाद 5 को आप 10 की तरफ शिफ्ट करें, फिर 10 का 2 सेट कर सकते हैं, 2 का 3 सेट कर सकते हैं. ऐसे आपको धीरे धीरे डे बाय डे आपको एक्टिवेट करते जाना है, अपने आपको इंप्रूव करते जाना है. विद इन 7 डेज आप ऐसा पाएंगे कि आप आराम से 10 पुशअप के 3 सेट आराम से कर सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी. बॉडी यकीन मानिए जितना आपको अपनी बॉडी पर फैट है उससे कहीं ज्यादा बॉडी आपको परफॉर्म करके देती है. सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे हमारी एब्डोमन के लिए, एब्डोमन की मसल्स को एक्टिवेट करेंगे. एब्डोमन की ये जो फैट है, एब्डोमन फैट को रिमूव करने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे, उसका नाम हम रख रहे हैं प्लैंक. प्लैंक एक्सरसाइज से ये हमारी जो बॉडी की कोर मसल्स होती है ये एक्टिवेट होती है और बैकबोन को स्ट्रेंथ करता है. यहाँ की जो एब्डोमन की फैट इसे रिमूव करता है, हमारी इस एब्डोमन का जो एरिया से एक्टिवेट करने से क्या होगा, हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है और जो भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो विसरल फैट है, वो सारा का सारा मेल्ट होकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन के थ्रू आपसे बॉडी से रिमूव हो जाता है. राइट, एंड थर्ड एक्सरसाइज अपन करेंगे लोअर बॉडी पार्ट के लिए, जिसमें अपन मेनली मुख्य रख रहे हैं कौन सा, दैट इज सिटअप. तो सिटअप में हमारी काफ मसल्स और थाई मसल्स दोनों इंप्रूव होती है, ये हैमस्ट्रिंग मसल जो है ये इंप्रूव होती है, इससे हमारा यहाँ का फैट एरिया सारा रिमूव हो जाता है. ये 3 एक्सरसाइज फंडामेंटल एक्सरसाइजेज हैं, आप इतना भी अगर करेंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, एक्टिव रहेगी, आपका दिन एकदम ऊर्जावान हो जाएगा. तो मैं 3 एक्सरसाइज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं. सो अब ये अपन को पुशअप की पोज में है, अब अपन को डाउन और अपवर्ड मूवमेंट करना है. जब भी आप डाउनवर्ड मूव करेंगे तो आपको एक्सहेल करना है और जब भी आप अपवर्ड मूव करते हैं इनहेल करना है. ठीक है, विद ब्रीदिंग करेंगे आपको बहुत फुल रहेगा. ये प्लैंक पॉज है जिसमें आपको अपना पूरा बॉडी का वेट टो पर और एल्बो पर रखना है. नजर सामने रखिए, बैकबोन स्ट्रेट रखिए, कर्व नहीं बनाना है. अब अपन कर रहे हैं 3rd एक्सरसाइज, दैट इज सिट अप. ये हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए, थाई मसल्स और काफ मसल्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, इनको स्ट्रेंथ देगा. आप हैंड को यहां भी रख सकते हैं, बिहाइंड द हेड रख सकते हैं, आप इनको क्रॉस फिंगर करके सामने भी रख सकते हैं. तो फुट को आप शोल्डर की डिस्टेंस पर रखिए, करीब अराउंड मोर देन 1 फीट रखिए और उसके बाद जब भी आप डाउनवर्ड मूव करें तो एक्सहेल करें और अपवर्ड मूवमेंट में इनहेल करें.
please disclose. Think. तो दोस्तों ये तीन एक्सरसाइजेस थी, हमने एक सेट किया है, आप इसको कम से कम तीन सेट में रिपीट करें और एक सप्ताह बाद फिर अपन मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ। और इन एक्सरसाइज के क्या एक्सपीरियंस रहे आप चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सोसाइटी में औरों को जगाइए, आप भी जागिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।